हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम कौन सी ड्रेस बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये बनाने में बहुत ही इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इसे इजिली बना सकते हैं, और अगर आप पूरी वीडियो को अगर एंड तक लास्ट तक देखेंगे तो आप इसे इजिली बना सकते हैं। मैंने बीच बीच में अगर किस तरह से अगर आप बड़े साइज में बना सकते हैं या किस तरह से इसे बनाना है वो मैंने बीच बीच में इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे बिना स्किप के वीडियो को तो आप इजिली से आसानी से बना पाएंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे ड्रेसेस को देखकर अगर कोई ड्रेस बनाते हैं तो आप उसे मेरे फेसबुक पेज पे शेयर भी कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी। फ्रेंड्स देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये दो कलर का थ्रेड लिया है, रेड और लाइट येलो कलर। और इसके लिए मैंने इसमें हम डेकोरेट करने के लिए ये देखिए इस तरह का मैंने ये रिबन यूज किया है। ये देखिए, ये हाफ सेंटीमीटर चौड़ा हमने रिबन लिया है। और इसके लिए ये देखिए मैंने सीजर ली है। और इस ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये येलो कलर के फ्लावर लिए हैं। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग किसी भी जिस कलर की भी आप बनाना चाहते हैं उस कलर के फ्लावर ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये 7 नंबर का क्रोशे हुक लिया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे ड्रेस बनाने का मटेरियल, और चलिए अब ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, चोली मैंने पहले से बना के रखी हुई है। फ्रेंड्स ये देखिए, 4 नंबर के गोपाल जी की चोली है। आज हम 4 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे, और इजिली आप ये 3 या 4 नंबर के गोपाल जी को पहना सकते हैं। तो चलिए अब ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने येलो कलर के थ्रेड की नॉट लगा ली है। अब हम यहाँ बाजू के साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अब मेरे पास 28 डबल क्रोशिया है चोली के हमारे एंड में। तो अब हम चोली के जो साइड से बाजू के साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी, और हम 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से 1 चैन लेंगे, और नेक्स्ट चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 चैन बनाऊंगी, और नेक्स्ट चैन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से 1 चैन बनाऊंगी, और नेक्स्ट चैन में मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। और यहाँ पे हमने जो ये 3 चैन बनाई थी, ये देखिए 1 2 3, यहाँ 3rd चैन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए 3rd चैन में मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया, और ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमने 3 चैन बना ली, एज अ हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब इसी लूप के अंदर देखिए, जो ये होल है इसी के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे एक ही लूप में 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गए। और फिर से हम 2 चैन लेंगे, और अब हम एक होल को छोड़ के नेक्स्ट होल में यहाँ पे फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर से हम 2 चैन लेंगे, और 1 होल को छोड़ के नेक्स्ट होल में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से 2 चैन लूंगी, और 1 होल को छोड़ के नेक्स्ट होल में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे हम 1 2 3 3rd चैन में हम यहाँ पे क्रोशिया हुक को डाल के और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसे मैंने ज्वाइंट कर दिया, ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पे फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे, और ये देखिए जो होल है इसके सेंटर में आ जाएंगे हम, और यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चैन बनाई, और इसी होल के अंदर हम फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, जो 3 चैन हमने बनाई थी एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी हमारी, और नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है तो ये हमारे 2। ये देखिए इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। इसी होल के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये देखिए इस तरह से, फिर जो हमारा नेक्स्ट होल है तो इसके अंदर हम इसी तरह से बनाएंगे, 1 2। ये देखिए, हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी के अंदर इसी होल के अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से
नेक्स्ट जो होल है इसमें टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर थ्री चैन लूंगी और फिर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं वन टू थ्री थर्ड चैन में, देखिए थर्ड चैन में यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से यहाँ पे ये स्लिप स्टिच करेंगे, ये देखिए, और ये जो होल है इसके सेंटर में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से थ्री चैन लूंगी, ये थ्री चैन हमारी एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी और यहाँ पे मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हमारे टू टाइम डबल क्रोशिया हो गए। फिर से मैं थ्री चैन लूंगी और यहाँ पे मैं फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, वन एंड टू, और यहाँ पे मैं फिर से चैन लूंगी, वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री चैन लूंगी। अब जो हमारा ये देखिए नेक्स्ट जो हमने ये चैन बनाई थी, ये लूप है हमारा दो डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे टू टाइम, वन और इसी लूप के अंदर टू, और फिर से थ्री चैन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, ये देखिए इस तरह से, और फिर से हम थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, और इस लूप में हम फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चैन लेंगे और टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिर से टू टाइम, मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया, अब मैं थ्री चैन लूंगी और फिर से यहाँ पे टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर थ्री चैन लेके फिर जो ये हमारा नेक्स्ट जो होल है ये दो डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया को डाल के टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थ्री चैन लेंगे, फिर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम वन टू थ्री थर्ड चैन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए राउंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चैन में हमने डाला और स्लिप स्टिच किया और फिर इस होल में डाला और स्लिप स्टिच किया। यहाँ पे हम इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो होल है यहाँ सेंटर में हम आ गए। अब यहाँ पे हम थ्री चैन बनाएंगे, वन टू थ्री, एज अ हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा और अब इसी होल के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे टू टाइम डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम यहाँ पे टू चैन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और यहाँ पे हम फिर से थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, और फिर नेक्स्ट जो हमारा ये देखिए फोर डबल क्रोशिया एक में ही है, जस्ट इसके बीच में जो ये जगह है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे टू टाइम, वन टू, फिर से हम टू चैन लेंगे और इसी के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया को डाल के और यहाँ पे टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, और जो ये नेक्स्ट हमारा होल है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो ये चैन मैं बना रही हूँ ये थ्री चैन, ये टोटली आप पे डिपेंड करती है। अगर आपका जो थ्रेड है वो ज़्यादा पतला है तो आप इसे ज़्यादा ले सकते हैं और अगर आपका थ्रेड थोड़ा सा मोटा है तो आप ये कम भी कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने पिछले राउंड में थ्री चैन ली तो अब मैं इस राउंड में भी थ्री चैन लूंगी क्योंकि पिछले राउंड में मेरा कर्व आ रहा था, तो इसलिए से अगर मैं यहाँ पे अब फिर से थ्री चैन लूंगी तो वो मेरा सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लें कि अगर आपका कर्व आ रहा है तो फिर से आप उतनी ही चैन लें और अगर आपका खिंचा खिंचा हो रहा है तो आप एक चैन ज्यादा ले सकते हैं। ये आप अपने थ्रेड की थिकनेस के अकॉर्डिंग आप देख लें और इसी तरह से करें। अब यहाँ पे मैं इसी तरह से करूंगी, यहाँ पे मैंने वन टाइम डबल क्रोशिया बना लिया, मैं यहाँ पे फिर से वन टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर टू चैन लूंगी और टू टाइम डबल क्रोशिया इसी होल में बनाऊंगी और फिर थ्री चैन लूंगी और फिर नेक्स्ट होल में मैं फिर से इसी तरह से करूंगी, टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी और टू चैन लेके टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने जो थ्री चैन बनाई थी इस थर्ड चैन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और इससे देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और ये देखिए यहाँ सेंटर में हम अपने वर्क को ले आएंगे। अब यहाँ पे हम फिर से थ्री चैन बनाएंगे, ये एज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब इसी के अंदर हम क्रोशिया को डाल के फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर टू चैन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू, और पिछली बार हमने थ्री चैन बनाई थी अब हम फोर बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ये होल है इसके अंदर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और फिर से हम टू चैन लेंगे
और यहाँ पे हम फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे मैं फिर से फोर चैन लूंगी और यहाँ पे मैं टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, टू चैन लूंगी और टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इसी तरह से आप अपने जितने भी ये घेरा बड़ा करना चाहते हैं इसी हिसाब से बनाते जाए। नेक्स्ट राउंड में फाइव चैन, फिर नेक्स्ट राउंड में सिक्स चैन, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कितना भी बड़ा घेरा बना सकते हैं। तो मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए राउंड यहाँ पे कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं वन टू थ्री थर्ड चैन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी। ये देखिए ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड से हम पेटल बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बड़े गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हो तो आप ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप घेरा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद अब जो मैं आपसे राउंड स्टार्ट करूंगी तब आप यहाँ से राउंड स्टार्ट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए स्लिप स्टिच करूंगी और ये देखिए हम यहाँ इसके सेंटर में आ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैं फिर से थ्री चैन बनाऊंगी एज अ हमारे ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। और फिर हम इसी होल के अंदर फिर से दोबारा से क्रोशिया उठा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर टू चैन लेंगे और इसी के अंदर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम फाइव चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट होल में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। लेकिन अब यहाँ पे हम टू चैन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सेवन चैन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और फिर हम यहाँ पे टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। तो ये देखिए ये वर्क हमारा इस तरह से दिखेगा। अब हमने एक जो हमारी ये लाइन जाएगी, एक रो में हमने टू चैन बनानी है बीच में और एक रो में हमने सेवन चैन बनानी है। तो ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, फाइव चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। और देखिए ये जो नेक्स्ट होल है इसमें हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। और यहाँ पे हम टू चैन लेंगे, वन टू, और फिर से हम यहाँ पे टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। और फिर से हम फाइव चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। और नेक्स्ट में हम फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। और यहाँ पे हम सेवन चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और इसी होल के अंदर हम फिर से टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन एंड टू। तो ये देखिए वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से फाइव चैन लूंगी और यहाँ पे टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, टू चैन लूंगी और टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से फाइव चैन लूंगी और इसमें टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, सेवन चैन लूंगी और फिर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम वन टू थ्री थर्ड चैन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके इसे कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये राउंड हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ सेंटर में आ गए हम। अब फिर से इसी तरह से करेंगे, हम थ्री चैन बनाएंगे, वन टू थ्री। ये आज हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम टू चैन लेंगे और फिर यहीं पे हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। ये देखिए इस तरह से फिर हम थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री। अब जो हमने ये लूप बनाया था चैन का, इसके अंदर से हम क्रोशिया हुक को डाल के और नाइन टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए नाइन टाइम हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री। और फिर नेक्स्ट जो हमारा ये लूप है इसके अंदर हम टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और फिर टू चैन लेंगे, वन टू, फिर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी लूप के अंदर।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे फिर से थ्री चैन लूंगी और इस बड़े वाले लूप में हम यहाँ पे 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चैन लूंगी और यहाँ पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक जो हमारी रो चलेगी ये 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 टाइम डबल क्रोशिया, और जो ये हमारा सेंटर का है यहाँ पे हम पेटल्स बनाएंगे तो यहाँ पे हम 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 3 चैन लेंगे दोनों साइड में। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम 1 2 3 3rd चैन में यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए राउंड हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और अपने वर्क के सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर हम 3 चैन बनाएंगे एज हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर नेक्स्ट हम 1 टाइम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और ये देखिए जो हमने ये 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाए थे, जस्ट ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया है, जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चैन लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर से 1 टाइम, फिर से 1 चैन लेंगे। तो हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और 1 चैन लेनी है। देखिए इस तरह से 9 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसके ऊपर हमने 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 1 चैन लेनी है। ये देखिए इस तरह से 1 चैन ली हमने और ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर जस्ट हमने ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया, फिर 1 चैन और फिर से 1 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये देखिए 9 टाइम डबल क्रोशिया थे, जस्ट इसके ऊपर ये 9 टाइम डबल क्रोशिया हो गए और 1 1 हमने बीच में चैन ली है। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और ये देखिए जो ये नेक्स्ट रो है हमारी, इसमें हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे और 2 टाइम चैन लेंगे और फिर इसी होल में हम फिर से क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से 3 चैन लूंगी और यहाँ फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चैन लूंगी, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी तरह से एवरी चैन स्टिच में 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चैन लूंगी, फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी और यहाँ तक हम 9 टाइम डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर से हम नेक्स्ट में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चैन लेंगे, फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। और अगर आप इससे, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो पेटल हम बनाएंगे, अगर आप बड़े गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं और ये पेटल आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने 9 टाइम डबल क्रोशिया लिए हैं, यहाँ पे 11 13, आप किसी भी ऑड नंबर में आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप छोटी पेटल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 और 5 इस तरह से भी आप ले सकते हैं, तो इससे आपकी जो पेटल है ये छोटी बनेगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको कितनी बड़ी पेटल बनानी है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम 1 2 3 3rd चैन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये राउंड हमारा यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और अपने वर्क को सेंटर में लेके आएंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 3 चैन भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगी, तो ये हमारे 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चैन और फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। ये देखिए इस तरह से हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट होल है, यहाँ पे हमने चैन बनाई थी, इस फर्स्ट होल में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट होल में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम 4 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा होल है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 4 चैन लेंगे और इस तरह से हम नेक्स्ट होल में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे।
तो इसी तरह से हमने ये पिछली बार जो डबल क्रोशिया के बाद हमने चैन बनाई थी, उस चैन में, उस होल में हमने यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और फोर चैन लेनी है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पेटल्स इस तरह से बन जाएगी। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 और फिर ये देखिए नेक्स्ट में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे इसी तरह से करूंगी, फिर से मैं 3 चैन लूंगी और ये जो हमारा फर्स्ट होल है डबल क्रोशिया के बाद हमने जो चैन बनाई थी यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर 4 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में, और इस तरह से करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे, यहाँ पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने 1 2 3 3 चैन बनाई थी। इस 3rd चैन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम मैंने स्लिप स्टिच कर दिया और इसे जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे हम फिर से स्लिप स्टिच करके और अपने वर्क को सेंटर में लेके आएंगे। यहाँ पे मैं फिर से 3 चैन बनाऊंगी 1 2 3 और यहाँ पे फिर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये 3 चैन और डबल क्रोशिया हमारे 2 टाइम डबल क्रोशिया काउंट होंगे। अब मैं यहाँ पे फिर से 2 चैन बनाऊंगी और यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2। इस तरह से फिर मैं 3 चैन लूंगी 1 2 3 और ये देखिए ये हमने जो लूप बनाए थे ये हमारे 7 लूप हैं। अब मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट लूप है इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक को डालूंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से मैं 4 चैन लूंगी 1 2 3 4 और नेक्स्ट लूप में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से 4 चैन लूंगी 1 2 3 4 और फिर से नेक्स्ट लूप में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी 1 2 3 4 और नेक्स्ट लूप में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर से 4 चैन 1 2 3 4 और यहाँ पे नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर बार हमारा एक एक लूप डिक्रीज होता जाएगा। ये हमने 7 बनाए थे फर्स्ट टाइम, अब हमारे ये 6 बनेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में हमारे 5। तो इस तरह से हमारा ये 1-1 करके डिक्रीज होता जाएगा। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमने हर लूप में लेते हुए यहाँ पे 4-4 चैन लेते हुए मैंने सिंगल क्रोशिया से नेक्स्ट लूप में अटैच कर दिया। अब यहाँ पे हम फिर से 3 चैन लेंगे 1 2 3 और ये देखिए यहाँ पे हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चैन लेंगे 1 2 और यहाँ पे फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे मैं 3 चैन लूंगी और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 4 चैन लूंगी, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इस तरह से 4 चैन लेते हुए और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ तक आ जाऊंगी और फिर से 3 चैन लूंगी और यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और 2 टाइम डबल क्रोशिया इस लूप में से लूंगी और इसी सिक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिये मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे हम 3rd चैन में 1 2 3 3rd चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और अपने वर्क को यहाँ सेंटर में लेके आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे एज हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो ये हमारे 2 हो गए। फिर से 2 चैन लेंगे, यहाँ पे हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और यहाँ पे हम फिर से 2 चैन लेंगे, इसी होल के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो ये देखिए इस होल के अंदर हमने 3 टाइम 2-2 डबल क्रोशिया बनाए और 2 चैन ली है। अब फिर से हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 और ये देखिए जो हमारे लूप था
ये थ्री चैन के बाद जो हमारे ये लूप है, इस फर्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फोर चैन लेंगे, 1 2 3 4, और फिर इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम फोर चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम फोर चैन लेंगे और इस लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम फोर चैन लेंगे और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, इस बार भी हमारा एक ही घट गया। तो हर बार हमारे ये लूप धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे। अभी देखिए, लास्ट लूप था, इसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पे थ्री चैन बनाएंगे, 1 2 3, और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी ये रो आ रही है फोर डबल क्रोशिया की, यहाँ पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर इसी के अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2, और फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर हम फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पे फिर से 3 चैन लूंगी, फिर ये जो फर्स्ट लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 4 चैन लूंगी, फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट लूप में, और इसी तरह से करते हुए मैं यहाँ नेक्स्ट लूप तक सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। फिर मैं 3 चैन लूंगी और फिर मैं यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चैन लूंगी, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चैन लूंगी, और फिर से इसी में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस बार हमने यहाँ पे 3 टाइम 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे हम 1 2 3 थर्ड चैन में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए, ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे और अपने वर्क के सेंटर में आ जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैं फिर से 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3, और इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डाल के मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से मैं यहाँ पे 2 चैन लूंगी और यहाँ पे मैं 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। ये देखिए, तो अब हमने ये जो पेटल्स हमने ये 3 बनाई थी, तो अब ये हमारी इस तरह से एक एक पेटल्स हम बनाएंगे। तो इस तरह से अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे हम फिर से 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, और जो हमारा ये सेंटर है इसके अंदर क्रोशिया हुक को डाल के हम यहाँ पे 2 टाइम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये वर्क दिखेगा। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, और ये देखिए जो हमारा ये फर्स्ट लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट लूप में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से हम 4 चैन लेंगे और यहाँ पे हम फिर से नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 4 चैन ली और इस लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये बना लिया। अब फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर ये जो हमारा फर्स्ट जो है हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन बनाई थी, इसके अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा वर्क हो जाएगा, और हम अपने वर्क को फिर से टर्न करेंगे और यहाँ पे इसी तरह से वर्क करेंगे। तो ये हमारी एक पेटल हम पहले बना लेंगे, फिर नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे फिर से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पे एक एक पेटल बनती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने वर्क को टर्न कर लिया। यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और ये देखिए जो सेंटर में होल है यहाँ पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और ये देखिए ये हमारा फर्स्ट लूप है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, फिर जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चैन लेंगे,
फिर से हम नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, तो अब हमारे ये 3 लूप हो गए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये देखिए ये जो हमारा होल है इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से इसी होल के अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इस होल के अंदर हम फिर से इसी तरह से करेंगे 2 टाइम, हम फिर से हम इसी होल के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे ये 2 टाइम डबल क्रोशिया हो गए, और यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे और फिर से हम इसी होल के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पे हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये देखिए अब हमारे पिछले राउंड में ये 3 लूप थे, तो अब हमारे ये 2 रह जाएंगे। तो इसमें हम फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 4 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए अब हमारे ये 2 लूप हो गए हैं। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये देखिए जो होल है इसके अंदर हम इसी तरह से बनाएंगे, जो 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एज इट इज 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर हम अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, फिर से हम 3 चैन लेंगे और इसी होल के अंदर हम यहाँ पे फिर से 2 टाइम यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर इसी होल के अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये देखिए जो हमारा फर्स्ट होल है इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर से हमने 4 चैन ली, 1 2 3 4, और फिर नेक्स्ट लूप में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से वर्क को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहाँ होल के अंदर हम क्रोशिया को डाल के फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया और 2 चैन और 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और ये देखिए हमारा एक ही होल बचा हुआ है। अब हमारा एक ही लूप है तो इसके अंदर हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर इस होल के अंदर हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क दिखेगा। और फिर हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और इस होल के अंदर हम यहाँ पे 1, ये देखिए मैंने ये लूप पूरा नहीं निकाला है, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया पूरा नहीं बनाया है, इसे हम क्रोशिया हुक पे ही रखेंगे। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट भी हमने हाफ बनाया है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारा ये नेक्स्ट जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके अंदर क्रोशिया हुक को डालना है और ये भी हमने हाफ ही बनाना है डबल क्रोशिया। फिर इसी के अंदर से हमने ये लिया लूप और 3 में से हमने 2 किया और हमने ये हाफ ही बनाया। अब ये देखिए हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर 5 लूप है, अब हमने इसे एक साथ बना देना है। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे नॉट लगा के और इस थ्रेड को कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है और इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पेटल कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे फिर से यहाँ थ्रेड को अटैच करेंगे और जैसे मैंने ये पेटल बनाई है सेम इसी तरह से बाकी की पेटल हम बना लेंगे। देखिए इसके लिए मैंने ये रेड कलर का थ्रेड ये नॉट लगा लिया मैंने। ये देखिए जो ये 2 डबल क्रोशिया की ये जो हमारी लाइन निकल रही है यहाँ से, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम इस तरह से अपने थ्रेड इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ पे मैं 2 चैन लूंगी और इसी के अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के और यहाँ पे मैं
हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी थ्री टाइम, टू थ्री। तो ये देखिए थ्री टाइम मैंने बनाया और टू चैन ली थी, ये हमारे फोर टाइम हो गया। अब फिर इसी तरह से करेंगे, ये जो नेक्स्ट हमने ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है जो ये फोर बनाए थे, इसके फर्स्ट वाले में इस तरह से हमने क्रोशिया हुक डाला और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर दिया। फिर हमने टू चैन ली और थ्री टाइम हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। और ये हमारी ये टू चैन पहले से थी तो अब ये हमारे फोर टाइम हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर ये देखिए जो नेक्स्ट हमें लूप दिख रहा है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर हम टू चैन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम थ्री टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये टू चैन थी ये हमारी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगी और इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल फोर बनाने हैं। तो ये वन टू थ्री फोर। और फिर इसी तरह से जो हमारा ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम इसी तरह से करेंगे। फिर टू चैन लेंगे और फिर इसी के अंदर से क्रोशिया को डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर ये जो नेक्स्ट लूप है इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, टू चैन लेंगे, ये हमारा वन हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी के अंदर से बनाएंगे टू, फिर इसी के अंदर से थ्री और ये फोर हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। फिर अब हम नेक्स्ट वाले में ये देखिए यहाँ पे हमने जो ये टू बनाए थे यहाँ पे फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे वन टू, और फिर यहाँ पे हम थ्री टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारे फोर टाइम हो जाएंगे वन टू थ्री। और एक ये हमने दो चैन बनाई थी इस तरह से, ये फोर हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए हम इसके सेंटर में इस तरह से हम यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं तो यहाँ पे हम इसी तरह से करेंगे, सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर टू चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम वन टू थ्री फोर। हम थ्री टाइम बनाते थे यहाँ पे हम फोर टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी टू चैन और ये सारे मिला के हमारे फाइव टाइम हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर हम नेक्स्ट वाले में इसी तरह से करेंगे, ये देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे और फिर टू चैन लेंगे वन टू, और फिर इसी के अंदर से डाल के हम थ्री टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री। और फिर ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया। अब जो ये हमारा नेक्स्ट जो ये फोर डबल क्रोशिया बनाए थे हमने उसके फर्स्ट वाले में हमें डबल क्रोशिया दिख रहा है, यहाँ पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये देखिए हमारी ये इस तरह से बाउंड्री बनेगी। अब मैं यहाँ पे इसी तरह से करूंगी, टू चैन लूंगी तो वो हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया काउंट होगा और मैं थ्री और बनाऊंगी तो हमारे पास फोर हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट जो ये लूप दिख रहा है यहाँ पे बनाऊंगी। इसी तरह से देखिए जो पूरा सीक्वेंस हमें अपने आप पता चल जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो हमें लूप दिख रहा है इसमें लेना, फिर नेक्स्ट वाले में, फिर इस तरह से करते हुए मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए किनारी मैंने बना ली है, अब हम यहाँ रिबन से वर्क करेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह की निडल ली है और उसके अंदर इस रिबन को मैंने डाल लिया है। तो मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ एक पेटल की किस तरह से बनेगी। ये देखिए ये जो हमारी इस तरह से ये पेटल निकली हुई है, तो ये जो हमारी ये फर्स्ट रो है, ये जो होल है हमारा, यहाँ पे हमने करना है इस तरह से। इसे हमने नीचे की तरफ रखना है और आप ये ध्यान रखें कि ये देखिए रिबन सीधी साइड हो, और ये देखिए हमने इस तरह से इसे इतना बाहर रखा है। और ये जो नेक्स्ट हमारा ये लूप है इसके अंदर हम इस तरह से लेंगे सुई को, ये आप बिना निडल से भी कर सकते हैं आप, और अगर ये आपके पास कोई छोटी सेफ्टी पिन है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमने एक बार ऊपर की साइड लेना है और एक बार नीचे की साइड, ये इस तरह से हमने इसे, आप देख लें कि ये राइट साइड हो रिबन, और इसे ना टाइट करना है ना इसे लूज करना है। इस बार देखिए हमने ऊपर की साइड लिया था तो इस बार हम इस तरह नीचे की साइड लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन दिखेगा। अब हमने नीचे की साइड लिया है तो नेक्स्ट लूप में हम इस तरह से ऊपर की साइड लेंगे, और ये जो रिबन है ये मुड़ जाता है, इसे आप इस तरह से सीधा कर लें।
इस बार हमने ऊपर की साइड लिया था, तो अब हम इस बार इस तरह से नीचे की साइड लेंगे। ये देखिए, और इसी तरह से करते हुए हर एक लूप में से हम इसी तरह से निकालते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है, एक बार आपने ऊपर की साइड लेना है और एक बार नीचे की साइड, और ये रिबन का ध्यान रखें कि ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मुड़ जाता, तो इस तरह से हमने इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए यूँ ऐसे करके हम इसे सीधा कर लेंगे, ताकि ये जो राइट साइड है ये रिबन की ऊपर की साइड रहे और रॉन्ग साइड पीछे की साइड। और ये देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए। अब ये देखिए हमारे पेटल का सेंटर है, तो अब हमने इस पे यहां से निकालना है। ये देखिए अब हमने यहां से इसे टर्न कर लेना है। ये देखिए हमारा सेंटर से हो गया। अब हम यहां से लेके जाएंगे, तो अब हमने इसे यहां से इसे टर्न कर दिया। और ये देखिए हम अपने वर्क के यहाँ एंड में आ गए हैं, और इस तरह करते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए इन दोनों रिबन को हमने इस तरह से कर देना है। और ये देखिए आप ये हाथ बिल्कुल एक जैसा रखिएगा, ना इसे टाइट कीजिएगा ना इसे लूज कीजिएगा, ये इक्वल होने चाहिए। और इस तरह करके अब मैं इसे यहाँ पे इस तरह से मैं इसे निडल से यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ये देखिए मैंने ये छोटी निडल ली है, और इसमें ये रेड कलर का थ्रेड मैंने डाल लिया है। और ये देखिए ये हमने इसको हमने इस तरह से किया, और इसको हमने इस तरह से ऊपर से लिया, और ये देखिए इस तरह से हमने ये क्रॉस में इस तरह से लगा लिया। और अब मैं इसे यहाँ पे निडल से और थ्रेड से अटैच कर दूंगी। इसे आप अच्छी तरह अटैच कर दें, ताकि ये अगर ये वॉश भी होगी तो ये निकलेगा नहीं। इसे मैंने ये 3 से 4 बार मैं इसे यहां से इस तरह से फिक्स कर दूंगी। और यहाँ पीछे हम नॉट लगा के और इसे कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से फिक्स हो जाएगा। और अभी ये जो हमारे रिबन है इसे मैं इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए हमने ये इस तरह से कट करने हैं, और इसे भी हम इस तरह से तिरछा कट करेंगे। ये देखिए इस शेप में। ये देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये फ्लावर्स दिखाए थे, अब मैं इन्हें यहाँ पे इस तरह से ग्लू से यहाँ पे इसे पेस्ट कर लूंगी। और जिस तरह से मैंने ये पेटल बनाई है, सारे पेटल्स आप इसी तरह से बना ले रिबन से, और यहाँ पे इसे ये जो फ्लावर है यहाँ पे हम ग्लू से पेस्ट कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये ड्रेस कैसी लगती है।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सारे पेटल्स में इस तरह से रिबन लगा लिया और ये फ्लावर्स मैंने लगा लिए। अगर आपके पास ये फ्लावर हैं तो आप ये लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई पर्ल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से इसका डेकोरेशन करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ चोली पे भी एक फ्लावर लगा दिया है, तो ये ड्रेस मेरी कम्प्लीट हो गई। ये देखिए, ये ड्रेस का फाइनल लुक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसे आप इजिली किसी भी साइज में बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पहले चोली बना लें जिस साइज में भी आपको बनाना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये घेरा बना लें। अगर आप छोटे नंबर के गोपाल जी की बना रहे हैं तो आप ये घेरे कम बना सकते हैं, डायरेक्ट आप यहां से ही पेटल स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होता जाएगा तो आप ये घेरा इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बड़ा बनाते जाए और इस तरह से पेटल्स बना लें। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे चोली के नीचे 28 डबल क्रोशिया थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 पेटल्स बनी मेरी। ये मैंने ये जो रो बनाई है ये यहाँ पे मेरी 14 रो बनी है, 1 स्किप करके मैंने 1 लिया था। तो इस तरह से आप देख ले, अगर आप चाहते हैं तो ये जो पेटल्स हैं ये भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और या आप इन्हें कम भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बना रहे हैं। अगर आप बड़े गोपाल जी के बना रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ये 7 पेटल्स हैं, तो इस तरह से आप नीचे जो चोली के नीचे डबल क्रोशिया बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये 7 है तो आप 9, 10 इजिली किसी भी कितनी भी साइज में आप बना सकते हैं और इन्हें आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। ये मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पे 28 थे तो यहाँ पे मेरी 7 पेटल्स बनी है। अगर आपके पास यहाँ पे 32 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पे आपकी ये जो रो है ये 16 बनेंगी और आपके पेटल्स 8 बनेंगी। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपके पास चोली के नीचे कितने डबल क्रोशिया बचते हैं और फिर आपको उस हिसाब से इसे आप मेजर कर लें कि आपको कितनी पेटल्स बनानी है, और घेरा आप अपने अकॉर्डिंग देख लें जितना बड़ा बनाना है और फिर आप इस तरह से पेटल्स बना लें। और कलर कंट्रास्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और फिर इस तरह का रिबन इजिली मार्केट में अवेलेबल है तो आप उससे इस तरह से बना लें। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास ये फ्लावर है ये इजिली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सारे मटेरियल का, और अगर आपको लोकल मार्केट में मिल जाते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी जगह कोई मोटा, अगर आपके पास कोई पर्ल रखा हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और जिन्हें गोपाल जी की ड्रेस बनाना अच्छा लगता है आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी न्यू ड्रेस के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।